आज डिस्कस करेंगे ग्राइंडिंग मशीन के बारे में। ग्राइंडिंग मशीन क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन करती क्या है। ग्राइंडिंग मशीन का फंक्शन होता है स्मॉल मटेरियल को रिमूव करके वर्कपीस को हाई सरफेस क्वालिटी देना, उसकी जो शेप और साइज है उसको मेंटेन रखना एक गुड सरफेस फिनिश के साथ, तो उसको हम ग्राइंडिंग बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेंच ग्राइंडर और सरफेस ग्राइंडर के बारे में। ग्राइंडर हमारे पास काफी तरह के होते हैं, लेकिन जनरली हम यूज करते हैं बेंच ग्राइंडर और सरफेस ग्राइंडर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेंच ग्राइंडर के बारे में। बेंच ग्राइंडर के पार्ट्स हम देख लेते हैं। बेंच ग्राइंडर इसको बोलते क्यों है, क्योंकि इस ग्राइंडर को हम बेंच पे रख के यूज करते हैं। ये छोटा होता है तो छोटे छोटे पर्पजेज के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे किसी टूल को शार्प करना या थोड़ा बहुत मटेरियल रिमूव करना, तो उसके लिए हम छोटे छोटे कामों के लिए बेंच ग्राइंडर यूज करते हैं। तो बेंच ग्राइंडर के हम पार्ट्स देख लेते हैं। तो बेंच ग्राइंडर का सबसे पहले होता है बेस, जिसके ऊपर हमारी होती है मोटर। मोटर जो हमारी रोटेशन मोशन प्रोवाइड करती है, हमारी जो मोटर की शाफ्ट है, ये शाफ्ट है ये दोनों तरफ निकली होती है और ये जो मोटर है इस शाफ्ट को रोटेट करती है। इसके मोटर के शाफ्ट के एक तरफ हमारे पास होता है व्हील, जिसके जो ग्रेन्स हैं वो कोर्स होते हैं। कोर्स मतलब थोड़े बड़े बड़े ग्रेन्स का बना होता है। और जो दूसरी तरफ होता है व्हील, वो हमारा थोड़ा छोटे ग्रेन्स का बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइन ग्रेन एब्रेसिव व्हील और इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन एब्रेसिव व्हील। जो ग्रेन होते हैं, ग्रेन का मतलब क्या है, जो इस व्हील के अंदर हमने एब्रेसिव पार्टिकल यूज किए हैं जो मटेरियल को रिमूव करेंगे, उनको हम ग्रेन बोलते हैं। तो कोर्स ग्रेन है, थोड़े बड़े साइज के ग्रेन हमने इस व्हील में यूज किए हैं रफ ग्राइंडिंग के लिए। हमें अगर ज्यादा मटेरियल रिमूव करना है तो हम इस व्हील का यूज करते हैं, और अगर हमें बहुत ही कम मटेरियल रिमूव करना है तो हम इस फाइन ग्रेन एब्रेसिव व्हील का यूज करते हैं। जो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, ये किस चीज के बने होते हैं, ये सैंड के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हो सकते हैं, बोरोन कार्बाइड के हो सकते हैं, डायमंड डस्ट के हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये एब्रेसिव व्हील तैयार किया जाता है। इसके ऊपर लगी होती है यहाँ पे आई शील्ड। आई शील्ड क्या काम करती है, जब हम किसी मटेरियल को रिमूव करते हैं किसी वर्कपीस से, तो जो ये आई शील्ड है ये उसके जो रिमूव चिप्स होंगे, मटेरियल रिमूव होगा या उससे जो आर्क क्रिएट होगी, हल्की सी जो स्पार्क क्रिएट होती है, उससे हमारी आंखों को बचाती है। तो इसको इसीलिए आई शील्ड बोला जाता है। एक ग्लास होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, और इसके ऊपर होती है हमारी केसिंग जो इस सारे को कवर रखती है, और जो ओपनिंग हमें चाहिए सिर्फ फ्रंट से थोड़ी सी इन व्हील्स की ओपनिंग रखती है। तो ये होती है केसिंग जो ऑपरेटर को किसी भी डैमेज होने से के बाद नुकसान से बचाती है। और यहाँ पे लगी होती है टूल ट्रे, यहाँ पे हम कोई भी टूल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं जो इससे रिलेटेड है मशीन से, ताकि हमें जरूरत पड़े तो हम इसकी सेटिंग कर सकें। तो टूल ट्रे भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये होता है बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर एक सिंपल सा मैकेनिज्म होता है जिसमें दो व्हील, एक मोटर और बेस होता है। हम रोटेट करके किसी भी व्हील का यूज करके मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरफेस ग्राइंडर की। जो सरफेस ग्राइंडर है ये इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर यूज होता है, जिसमें हमें ज्यादा मटेरियल रिमूव करना हो, एक्यूरेसी के साथ करना हो और हमारा वर्क पीस है बड़ा हो, तो उसके लिए हम लगभग सरफेस ग्राइंडर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सरफेस ग्राइंडर के पार्ट्स को देख लेते हैं। हमारे पास होता है सरफेस ग्राइंडर का बेस, इसको हम बेड भी बोलते हैं, बेस को हम बेड बोल सकते हैं। ये बेस होता है जो सारी असेंबली को एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर टेबल होती है, ये जो टेबल है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा सकती है, मींस लेफ्ट और राइट की तरफ ये मूव कर सकती है। इसके आगे एक मैकेनिज्म लगा होता है, इसके ऊपर हमारे दो व्हील होते हैं,
एक व्हील होता है हैंड ट्रैवर्सिंग व्हील। अगर हम टेबल को आगे और पीछे मूव करना चाहते हैं तो ये व्हील हम रोटेट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल फीड हमें मिलती है लेफ्ट और राइट की तरफ। और दूसरा होता है यहाँ पे व्हील क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील। ये व्हील हमारा सैडल के साथ जुड़ा होता है। इस टेबल के नीचे हमारा सैडल होता है। सैडल हमारा क्रॉस स्लाइड प्रोवाइड करता है। क्रॉस स्लाइड मीन्स आगे और पीछे की तरफ। जैसे ये लेफ्ट और राइट की तरफ है तो जो ये क्रॉस स्लाइड है वो आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट देता है टेबल को। तो हम दो मूवमेंट ले चुके हैं, एक तो ये लेफ्ट और राइट की तरफ और एक क्रॉस स्लाइड के थ्रू आगे और पीछे। अब इस बेस के ऊपर लगा होता है कॉलम। इस कॉलम के अंदर हमारा सारा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है। ड्राइविंग मैकेनिज्म हम इसके अंदर जो यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर लगा होता है हमारा व्हील हेड। ये व्हील हेड हमारा ऊपर और नीचे मूव करता है, वो बात करेंगे कैसे। इसके ऊपर लगा होता है व्हील गार्ड और एब्रेसिव व्हील इस गार्ड के नीचे होता है। ये व्हील गार्ड प्रोटेक्ट करता है जो हमारा चिप्स रिमूव होगा, वर्कर को प्रोटेक्ट करता है इस गार्ड की हेल्प से। यहाँ पे लगा होता है वर्टिकल फीड हैंड व्हील। ये जो वर्टिकल फीड हैंड व्हील है, जब हम इसे रोटेट करते हैं तो ये जो पूरा व्हील हेड है ये नीचे और ऊपर की तरफ मूव करता है, तो वर्टिकल मूवमेंट हमें इससे मिलेगी। तो हमें तीनों तरह के मोशन हम ले चुके हैं। जैसे इस वर्टिकल फीड से ऊपर और नीचे जाएगा ये व्हील हेड, टेबल हमारी लेफ्ट और राइट में जाएगी, और क्रॉस स्लाइड की हेल्प से ये जो सैडल है हमारा आगे और पीछे की मूवमेंट देगा। तो तीनों ही एक्सिस में हम इसको मूव कर सकते हैं इन व्हील्स की हेल्प से। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है सरफेस ग्राइंडर। यहाँ पे हमारे कूलेंट सप्लाई के लिए नोजल लगी होती है जो कूलेंट सप्लाई करती है इस एब्रेसिव व्हील और वर्कपीस के बीच में। जब हम इस व्हील को रोटेट करते हैं तो क्या होता है, तो हमें लॉन्गिट्यूडनल फीड मिलती है। लॉन्गिट्यूडनल फीड मीन्स जो ये टेबल है ये हमारी लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करती है, और टेबल के ऊपर हमारा वर्कपीस है, तो वर्कपीस को लेकर ये टेबल लेफ्ट और राइट की मूवमेंट इस व्हील की हेल्प से ले सकती है। और जब ये क्रॉस स्लाइड व्हील हमारा रोटेट होता है तो हमारा जो सैडल है आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। तो ये मूवमेंट हम इस ड्राइंग के अंदर नहीं दिखा सकते क्योंकि ये 2D ड्राइंग है। तो इस तरफ और उस तरफ सैडल हमारा मूव करता है, जिसे टेबल मूव करती है और वर्कपीस मूव करता है। और जब ये हैंड व्हील मूव करता है, जब हम इसको रोटेट करते हैं, तो ये सारा जो व्हील हेड है, व्हील हेड के ऊपर हमारा ये व्हील गार्ड है और ये एब्रेसिव व्हील है, तो ये सारा ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है इस तरह से। और जो ये नोजल है, नोजल हमें सप्लाई करती है कूलेंट। तो ये कूलेंट की सप्लाई करती है वर्कपीस और इस ग्राइंडर जो व्हील है इसके बीच में। हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो हमारा जो व्हील है, एब्रेसिव व्हील है, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ये रोटेट करेगा तो हम हैंड व्हील की हेल्प से इस लॉन्गिट्यूडनल जो फीड है इस व्हील की हेल्प से और क्रॉस स्लाइड की हेल्प से इस वर्क पीस को एक पोजीशन दे देते हैं, जिससे हम इस जो एब्रेसिव व्हील की हेल्प से इस वर्क के ऊपर से मटेरियल को रिमूव कर सकें। इससे हम वर्टिकल फीड लेंगे, जिससे हमारा पूरा हेड है जो वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से वर्क पीस से हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर जो मटेरियल है रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सरफेस ग्राइंडर है वो वर्क करता है। सरफेस ग्राइंडर हमारा यूज होता है सरफेस की, जो वर्क पीस का सरफेस है उससे मटेरियल रिमूव करने के लिए। तो इसलिए इसको सरफेस ग्राइंडर बोला जाता है। हम इसके ऊपर एक प्लेट भी यूज करते हैं जिसको सरफेस प्लेट बोलते हैं, ताकि हम इसकी जो हॉरिजॉन्टली पोजीशन है उसको एक्यूरेटली ले सकें। तो उसका भी हम वर्क पीस के नीचे यूज कर लेते हैं। तो ये थी हमारी वर्किंग ऑफ बेंच ग्राइंडर और सरफेस ग्राइंडर। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।
और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।